दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने GSTR1, GSTR3B, 2B और QA और GST सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको gst.gov.in वेबसाइट पर आ जाना है और अपने दोस्तों GST ID पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, जब आपको अपने रिटर्न्स डाउनलोड करने हैं तो रिटर्न डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको कौन से महीने की रिटर्न और कौन से ईयर का रिटर्न डाउनलोड करना है ये आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए दोस्तों, मैं 22-23 का रिटर्न डाउनलोड करना चाहता हूँ, क्वार्टर सेकेंड का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपको R1 डाउनलोड करनी है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, नीचे आना है और व्यू समरी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डाउनलोड PDF, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये आपका R1 डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं दोस्तों ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों, आपकी R1 की जो कि सेल की, आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 3B की, तो बैक लेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है आपको, सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 3B डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये डायरेक्ट ही डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों, 2A डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर, और दोस्तों जनरेट एक्सेल फाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे क्लिक करते हैं, और ये दोस्तों 20 मिनट लेगा और 20 मिनट के अंदर ही आपको फाइल को यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखा देगा। जितने भी आपने परचेज किया है वो सारी डिटेल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह दोस्तों, आप 2B को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2B में दोस्तों क्या होता है, मैंने कि 2B डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके अंदर आपको सारे परचेज के बिल देखने को मिलेगा और दोस्तों यही आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और जनरेट एक्सेल फाइल पर क्लिक करना है और ये दोस्तों ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार इसके अंदर जो डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जाती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन 2A के अंदर दोस्तों चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह मैंने आपको बताया है R1, 3B, 2A और 2B की डाटा डाउनलोड करना। अब दोस्तों बात करते हैं लगे हाथ GST सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सर्विस में आपको चले जाना है और यूज़र सर्विस पर आना है और व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म नंबर होता है GST सर्टिफिकेट का, GST REG 06, और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा और ये डेट ऑफ इशू देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, जैसे आप GST में कुछ अमेंडमेंट वगैरह करते हैं, नाम में किसी चीज़ तरह से, एड्रेस में, तो यहाँ पर दोस्तों समय के साथ यहाँ पर GST सर्टिफिकेट चेंज होता रहता है, तो यहाँ पर डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका GST सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपने सीख लिया होगा किस तरह से आप GST R1, 3B, 2A, 2B और GST सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।